बात करते हैं जी, कंपाउंड क्या है? ये तीन फिगर्स आपको नजर आ रही हैं। यहाँ पर एक सॉलिड फॉर्म में चीज पड़ी हुई है जिसको हम नमक कहते हैं, ये सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। चले हम इसको केमिस्ट्री के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो लिख देते हैं। इसको हम लिखते हैं जी सोडियम, एन ए के सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया, और क्लोराइड यानी कि सी एल के सिंबल के साथ हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए। तो ये क्या है? सोडियम क्लोराइड हम इसको कहते हैं, और वैसे अगर हम आम घर में जिस तरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसको नमक कहते हैं। इसके बाद वॉटर है जो ग्लास में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, इसका भी यहाँ पर हम लिख देते हैं जिस किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, H2O। और यहाँ पर आपको एक वाइट सा ये धुआं सा नजर आ रहा है जिसको हम स्मोक कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ये। इसमें क्या हुआ? कोई जलने का प्रोसेस हमने यहाँ पर किया है, किसी चीज को हमने बर्न किया है, और इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस हुई है जी? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पर हमने लिख दिया CO2। तो ये तीनों चीजें क्या है जी? ये कंपाउंड है। किस तरह से, जैसे कंपाउंड का हम नाम लेते हैं, तो कंपाउंड यानी कि कुछ चीजों का मिलके और थोड़ी बड़ी चीज का बना देना। जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पर एक सोडियम है हमारे पास और क्लोरीन उसके साथ मिल रहा है, तो क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड बना रहा है। इसी तरह से यहाँ पर दो हमारे पास एलिमेंट्स है, कौन कौन सा जी? एक हमारे पास हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, और दो हाइड्रोजन मिलके एक ऑक्सीजन के साथ वाटर बना रहे हैं। इसी तरह से एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्या कंडीशन लिखेंगे जी? हम कहते हैं टू और मोर एलिमेंट इसमें जिस चीज में मौजूद होते हैं और वो आपस में कंबाइन हुए हुए होते हैं, यानी कि टू और मोर एलिमेंट्स, चले हम लिख देते हैं एलिमेंट्स। और कंबाइन किस तरह से होना है जी? हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? लिख देते हैं केमिकली कंबाइन। केमिकली कंबाइन लिखने का मकसद क्या है और इसका क्या मतलब है जी? इसको समझ लेते हैं हम केमिकली। चले हम एल को थोड़ा सा ठीक करके लिख देते हैं प्रॉपर, केमिकली कंबाइन। अब जिस तरह हम वाटर के केस को ही देख लेते हैं, ठीक है, हम कहते हैं कि दो हाइड्रोजन जो है वो आपस में क्या हुए हुए हैं? कंबाइन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुए हुए। एक एच हमने यहाँ पर लिखा, उसके बाद एक ऑक्सीजन है, उसके साथ ही यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास जी आउटर मोस्ट में यानी कि आखिरी वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसकी वैलेंसी क्या होती है यानी कि कंबाइनिंग पावर क्या होती है? कंबाइनिंग पावर यानी कि कितने मजीद वो बॉन्ड बना सकता है, तो वो वन है। यानी कि इसने अपने आखिरी वाले शेल में दो इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं, जबकि इसके पास एक है, तो वो शेयर कर लेता है अपने एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के साथ, और नतीजतन ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को इससे शेयर कर लेता है। तो थोड़ी देर के लिए इस वाले हाइड्रोजन में और इस वाले हाइड्रोजन में भी क्या होता है? दो दो इलेक्ट्रॉन यानी कि इनकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। जबकि ऑक्सीजन के आखिरी वाले में छह इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि पहले वाले में दो होते हैं, टोटल इसके आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो आखिरी वाले छह जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, स्टेबल होने की कोशिश करता है ऑक्सीजन। तो वो दो बॉन्ड बना लेता है इस हाइड्रोजन से और इस हाइड्रोजन से, और इसके आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के अंदर मूव करा के और ऑक्सीजन की वैलेंसी को पूरा कर रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान क्या बन गया जी? बॉन्ड बन गया, जिसको हम कहते हैं केमिकली कंबाइन होना। और क्या हम लेते हैं इसके बाद? इनकी फिक्स्ड रेशो लेते हैं। फिक्स्ड रेशो से मुराद क्या है? या फिक्स्ड हम कह देते हैं कि इनकी हमेशा से एक जैसी ही निस्बत रहती है। वो क्या है जी? हम वाटर कहीं से भी लेंगे तो 2:1 होगी। यानी कि क्या बताने की कोशिश करें? हाइड्रोजन जो है वो हमेशा दो हो गए, और इसी तरह से ऑक्सीजन जो है वो एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके 2:1 बनाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम देखें तो कार्बन जो है वो वन होगा। जहीं कहां से कहीं से भी हम स्मोक को अगर देखेंगे, उसका एनालाइज करेंगे, तो कार्बन जो है उसमें वन होगा, और ऑक्सीजन के कितने होंगे जी? एटम दो होंगे। तो ये इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, या इनकी रेशियो जो होगी आपस में क्या होगी? फिक्स्ड बनेगी। तो इस चीज को हम कहते हैं कि इनके दरमियान में फिक्स्ड रेशो होती है। उसके बाद हम कहते हैं कि इनकी जो हम प्रॉपर्टी लेते हैं एक, कि इनको अगर हम आम हालात में क्या करें कि जी या तो हीट करें या इनके ऊपर कुछ छोटा सा प्रोसेस, केमिकल, आम सा केमिकल प्रोसेस अप्लाई करें, तो ये क्या है? अपने पेरेंट एलिमेंट में इजीली कन्वर्ट नहीं होते। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कांट इजीली चेंज्ड, लिख देते हैं हम यहाँ पर। जैसे अगर वाटर की हम ले लें एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? चेंज्ड इनटू पेरेंट एलिमेंट्स। अब क्या होता है अगर हम वाटर के पेरेंट एलिमेंट को देखने की कोशिश करें ना, तो ये किससे बना है? हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो वाटर जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम थोड़ी सी हीट करें और एक इसमें कन्वर्ट हो जाए जी, अपने पेरेंट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ये कहना कि वो अपने पेरेंट एलिमेंट्स में आम हालात में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात जो है वो कंपाउंड के लिए दुरुस्त नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि कंपाउंड क्या होते हैं? एक तो उनमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए, उनको केमिकली कंबाइन होना चाहिए उन एलिमेंट्स को, ठीक है, और इनके दरमियान क्या होती है जी? फिक्स रेशो होती है उनकी, यानी कि जहां कहीं से भी आप एलिमेंट सॉरी कंपाउंड को देखेंगे
तो उनकी जो आप देख रहे होते हैं रेशो, वो आपस में क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी। यानी कि वाटर को कहीं से भी ले ले तो उनके दरम्यान 2:1 होगी। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की 1:2 होगी, और अगर नमक की देखें तो वो क्या होगी जी, 1:1। यानी कि एक सोडियम होगा और वो एक क्लोराइड आइन को लेकर, या एक क्लोरीन और एक सोडियम जो है आपस में मिलकर क्या बनाते हैं जी, इनकी रेशो हम देख रहे हैं 1:1 है, और नमक को बना रहे हैं। ठीक है, और इनको अगर हम ब्रेक करना चाहें तो ये ऐसा नहीं होगा कि छोटा सा एक हीट किया हमने, थोड़ा सा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, डिग्री सेंटीग्रेड जो कि टेम्परेचर का यूनिट है, और या फिर हम इसको आम ही हालात में ऐसा करें कि इसको थोड़ी सी हीट देने की कोशिश करें या इलेक्ट्रिक करंट पास करें, तो ये ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए। तो इजीली ये कन्वर्ट नहीं होता, इस चीज को हम क्या कहते हैं।